हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम कर रहे हैं 1.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। 140 है, 140 को हमने एक्सप्रेस किया। कैसे करते हैं हम एक्सप्रेस? मैं एक क्वेश्चन एक पार्ट को करके बताती हूँ आपको। 140 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से करेंगे 2 7 जा 0, 2 से करेंगे 2 3 जा 2 5 जा। फिर अब हमारा 2 से नहीं होता, अब हमारा किससे होगा? 5 से 5 7 जा, और 7 से 7 1 जा 7। ये हमारे क्या आ गए? प्राइम फैक्टर। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। नेक्स्ट है हमारे पास 156। 156 को हम करेंगे क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब 2 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, इसलिए क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट है 3825। अब हम इसको करेंगे, करने के लिए क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 3 की पावर 2। उसके बाद 5 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट है 5005। इसको हमने किया 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अब सभी 1 टाइम्स हैं तो एज इट इज छोड़ देंगे हम। नेक्स्ट है 7429। इसको हमने किया 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये हमारे पास सभी वंस टाइम है, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर्स। इसको हम क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। हमें क्या करना है? कोई भी 2 नंबर दिए हुए, उनका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। उसके बाद वेरीफाई, और वेरीफाई करना है एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब उसके लिए देखो हमें क्या दिया हुआ है, 26 एंड 91। 26 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए पहले 2 मल्टीप्लाई 13, फिर 91 के हमने प्राइम फैक्टर बनाए 7 मल्टीप्लाई 13। अब एचसीएफ हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट है और दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कितना है? 13 है, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ? 13। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? जो भी डिजिट्स हैं दोनों में वो हमारे पास कंप्लीटली यहाँ आएंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 मल्टीप्लाई 7, अब 13 दोनों में है तो 1 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें 2 टाइम्स होता तो हम टोटल 2 टाइम्स लिखेंगे, ओके। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, 7 2 जा 14, 14 मल्टीप्लाई 13 क्या आ जाएगा? 182। हमें क्या वेरीफाई करना है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, 2 नंबर्स हमारे पास क्या क्या? 26 एंड 91। दोनों नंबर्स की हमने प्रोडक्ट निकाल ली, क्या आया? 2366 इज इक्वल टू किसके आनी चाहिए? एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। एच सी एफ कितना है? 13, एल सी एम 182। मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 2366। तो इसको हम क्या बोल देंगे? वेरीफाई हो गया, एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट हमारा, 510 एंड 92। 510 के पहले हमने प्राइम फैक्टर बनाए, प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। 92 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब एच सी एफ क्या आया? दोनों में कॉमन देखते हैं क्या है? दोनों में कॉमन, ओनली 2 कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ क्या आएगा? 2। फिर है एल सी एम, एल सी एम के लिए क्या बताया था? 2 कितने टाइम्स है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 2 लिखेंगे। 3 1 टाइम्स है, 5 भी 1 टाइम्स है, 17 1 टाइम्स, 23 भी 1 टाइम्स, और सभी की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 23416। इसी तरह अब हम इसको वेरीफाई करके दिखाएंगे। कैसे वेरीफाई करते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में क्या आएगा? 510 मल्टीप्लाई 92 क्या आया? 46920। और एच सी एफ एल सी एम की मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी क्या आएगा? 46920। तो ये हमारे पास दोनों वेरीफाई हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है
336 and 54, 336 को हमने फैक्टर्स में डिवाइड किया टू 320, 36 है, 336 है, इसको हमने किया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद है 54, 54 को हमने किया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम, एलसीएम मीन्स दोनों में कॉमन क्या क्या है, 2 दोनों में कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आया, 6। फिर निकालेंगे हम एलसीएम, एलसीएम देखते हैं। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स 2 लिखेंगे। उसके बाद 3 कितने टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, और क्या है, 7। और सभी की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 3024। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आएगा 18,144, और एच सी एफ एल सी एम की मल्टीप्लाई भी वही आएगी। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एल सी एम एंड एच सी एफ बाई प्राइम फैक्टोराइजेशन 12, 15, 21। तीन नंबर्स दिए हुए हैं, पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 12 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 के प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 7। एच सी एफ क्या आएगा, तीनों में कॉमन क्या है, 3 तीनों में कॉमन है, तो एच सी एफ क्या आएगा, 3। एल सी एम, एल सी एम में हम सभी को लिखेंगे, 2 2 टाइम्स हैं, 2 टाइम्स लिखेंगे, 3 1 टाइम्स हैं, 1 टाइम्स, 5 है, फिर 7 है, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 420। ये था हमारा एल सी एम एंड एच सी एफ। नेक्स्ट है 17, 23 and 29। अब इसके हम फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 17 एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टर कर ही नहीं सकते हम, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 and 17। ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, इसको भी क्या लिखेंगे, 23 को 1 मल्टीप्लाई 23। 29 के भी क्या होंगे, 1 मल्टीप्लाई 29। अब देखो एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, 1, और एल सी एम क्या हो जाएगा, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एल सी एम हमारा क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11,339। थर्ड है हमारे पास 8, 9 and 25। 8 के हमने फैक्टर किए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 9 के क्या आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 के क्या आएंगे, 5 मल्टीप्लाई 5। अब इन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तीनों में मल्टीप्लाई में क्या लिख लिया मैंने, 1। अब तीनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, और 2 टाइम्स 5 आ जाएगा, सभी की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1800 या 1800। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एच सी एफ 306, 657 इज इक्वल टू 9। आपको दिया हुआ है कि इन दो नंबर का एच सी एफ कितना है, 9। फाइंड एलसीएम, इन दो नंबर का क्या फाइंड करना है हमें, एलसीएम। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो वही हम अप्लाई करेंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर क्या क्या है, 306 और 657। और हमें क्या दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है, एच सी एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आएगा 306 मल्टीप्लाई 657, इसको इधर लेके आए, एच सी एफ डिवाइड में, एच सी एफ क्या है, 9, 9 से इसको कैंसिल कर दिया, क्या है, 34। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 22,338। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये दे रखा है, आपको चेक करना है कि 6 की पावर n कैन एंड, क्या इसका एंड विद द डिजिट 0, क्या इसका एंड कभी भी 0 से हो सकता है, कि 6 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा, 6 6 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 36,
सिक्स की पावर थ्री करें क्या आएगा, 216। हर बार लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है। तो ये बोल रखा है क्या कभी भी इसका लास्ट डिजिट जीरो हो सकता है एनी नेचुरल नंबर की, कितनी भी नेचुरल नंबर 1 2 3 कितनी भी पावर कर लें। अब देखते हैं, इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट जीरो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10। अगर कोई भी नंबर है जिसका एंड किससे हो, जीरो से, तो वो किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं, इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5। वो नंबर 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा, जैसे 10 है 2 और 5 से डिविजिबल है, तो ये भी होगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने 6 की पावर n का, 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n लिख सकते हैं इसको हम। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 is not a। अब ये हमने ऑब्जर्व किया है कि 5 है वो हमारे पास क्या है, नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, कि जो 5 है वो 6 की पावर n का कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे 6 की पावर 2 करेंगे 36 आ गया, तो 36 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, 216 का भी प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, 2 है बट 5 तो नहीं है ना, और 2 और 5 दोनों का होगा तभी तो हमारे पास 10 का होगा, 10 का होगा तभी लास्ट डिजिट 0 आएगा। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6 की पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाई 5। देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट बी, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि 6 की पावर n है उसका एंड कभी भी 0 से नहीं हो सकता, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये प्रूव करना है कि ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर। पहले तो हम देखते हैं कि कंपोजिट क्या होता है, प्राइम क्या होता है। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड बाई 1 and only itself। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। उसके अलावा कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हैविंग फैक्टर अदर देन 1 and itself। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 और खुद के अलावा कोई और भी हो, जैसे 6 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ठीक है, इसलिए 6 हमारा किस में आएगा, कंपोजिट में आएगा, और 5 है वो किस में आएगा, प्राइम में आएगा। अब देखते हैं इसको, ये हमारे पास नंबर है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक हमारे पास ये डिजिट है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, एक डिजिट ये है, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 13। यहाँ क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11, फिर ये तो बाहर गया हमारे पास, बीच में क्या लगाएंगे हम, प्लस। यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख लिया, ये 13 बाहर गया तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1। 13 मल्टीप्लाई 11 और 7 की मल्टीप्लाई क्या आएगा, 77, और प्लस 1 78। अब जो भी हमारे पास 13 मल्टीप्लाई 78 आया, 78 को फिर से ब्रेक कर लिया 13 मल्टीप्लाई 6। हमारे पास जब इनकी मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते तो हमारे पास क्या नंबर आता, ये नंबर आता, जो भी नंबर आता उसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 13 13 और 6। जब उसके प्राइम फैक्टर एक से ज़्यादा हैं तो इट मीन्स क्या है, वो एक कंपोजिट नंबर है। द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर, जो एक्सप्रेशन हमारे पास है उसके फैक्टर क्या हैं, 6 and 13। सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर, इसलिए हम क्या बोल देंगे, वो क्या है, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्या था, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2। अब इसकी भी मल्टीप्लाई में क्या लिख लिया मैंने, 1। अब 5 इधर भी है, इधर भी है, दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम 5, क्या बचेगा, 5 को कॉमन ले लिया, 4 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, यहाँ से 5 बाहर गया, क्या बचेगा, 1। अब इनके सभी के अंदर वालों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1008। क्या आएगा, 1008 प्लस 1 कर दिया, क्या है, 1009। तो अब हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आएगा,
फाइव और इसकी मल्टीप्लाई करने से आएगा नंबर। अब किसी भी नंबर के जो फैक्टर दो बन गए हमारे पास, एक फाइव भी है एक वो भी है, इसके अलावा वन भी है वो नंबर खुद भी है, तो क्या बन गया वो एक कंपोजिट नंबर। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज, सो द गिवन एक्सप्रेस हैज़ 5 एंड 1009 एज इट्स फैक्टर, तो इस नंबर के फैक्टर हो गए, हैंस इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा क्या होगा, एक कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसकी स्टेटमेंट यहाँ लिख रखी है बेटा हाफ। देर इज ए सर्कुलर पथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके एक सर्कुलर पथ है। सर्कुलर पथ क्या होता है, ऐसे गोलाकार शेप का एक पथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, सोनिया उसका एक राउंड 18 मिनट्स में लगाया, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि ने कितने टाइम में लगाया, 12 मिनट में लगाया फॉर द सेम, उसी का उसी ग्राउंड का जो राउंड है वो कितने में मिला लगाया, 12 मिनट में। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लिया वो दोनों एक ही पॉइंट से राउंड लगाना स्टार्ट करते, एंड एट सेम टाइम, और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट्स के बाद विल दे मीट, वे दोनों मिलेंगे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, दोबारा से उस स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब इन्होंने पूछ रखा है कब मिलेंगे, देखो जब भी वो फर्स्ट टाइम उसी पॉइंट पे मिलेंगे तो वो हमारे पास होगा पॉइंट, तो उसके लिए हमें पूछ रखा है कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसका एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये नहीं है कि जब वो दूसरी बार मिले वो तीसरी बार मिले वो टाइम, नहीं, हमें जब वो फर्स्ट टाइम मिलेंगे उसी पॉइंट पे दोबारा से, तो उसके लिए हमें लोवेस्ट मीन्स जल्दी से जल्दी, तो लोवेस्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेंगे। द मिनिमम मिनट्स वुड बी द एलसीएम ऑफ द टाइम टेकन बाई सोनिया एंड रवि इन वन राउंड। अब देखते हैं, एक ने 18 मिनट्स लिए थे सोनिया ने, और रवि ने 12 मिनट्स में कवर किया था। 18 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 12 के क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसको हमने किया 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3। अब देखते हैं, हेयर 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 आर द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 स्पेक्टली इन्वॉल्व इन 2 नंबर, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर से देख लेते हैं। देखो 2 कितने टाइम से ज़्यादा 2 टाइम्स है, 3 भी कितने टाइम से ज़्यादा 2 टाइम्स है, 2 की पावर 2 क्या आएगा, 4 3 की पावर 2 9, 9 4 जा 36, हैंस दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट के बाद वो दोबारा से मिलेंगे। ठीक है, तब तक सोनिया के कितने राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि वो 18 मिनट में एक लगाती है, तो उसके कितने राउंड कंप्लीट होंगे, 18 2 जा 36, सोनिया के राउंड कितने हो जाएंगे कंप्लीट, 2, और रवि कितने टाइम में लगाता है, 12 मिनट में, तो रवि के कितने राउंड कंप्लीट होंगे तब, 12 3 जा 36, रवि के कितने राउंड कंप्लीट होंगे, 3, और सोनिया के 2 राउंड कंप्लीट होंगे। ओके, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू।